गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 3 फरवरी। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। टिल नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और किस किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, जायगोट इज़ फॉर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जायगोट बनाते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है फिर वो विच बिगिंस टू डेवलप इन टू एन एम्ब्रॉय। ठीक है, वो फिर जायगोट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है किस में, एम्ब्रॉय में। जायगोट क्या करता है, बार बार डिवाइड होता रहता है और नंबर ऑफ सेल्स को क्या करता है, देखो ये है, अभी ये क्या हुआ, ये ओवम है और ये स्पर्म है, दोनों मिले, इन्होंने एक जायगोट को बनाया। अब ये जायगोट है, यहाँ से देखो नंबर ऑफ सेल्स में क्या हुआ, ये टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप, अब ये सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाने लगती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ को जनरेट करती हैं और फिर बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज़ टर्म्ड एज एम्ब्रॉय, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट, जायगोट एम्ब्रॉय। अब देखो एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, जो एम्ब्रॉय होती है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्ब्रॉय अब यहाँ पे पहुँच चुका है, फिर क्या होता है, एम्ब्रॉय जो है कंटिन्यू डेवलप होती रहती है यूट्रस में, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है धीरे धीरे, ये देखो यहाँ पे डेवलप होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बेबी के धीरे धीरे क्या होते हैं, सारे जो पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब वो स्टेज जिसमें बच्चे के सभी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, तो चलिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय यूट्रस में, यहाँ पे डेवलप, यहाँ पे हमारी जो ओवरी है, ठीक है, एंड एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रॉय इन द यूट्रस एंड फोटस इन द यूट्रस। ठीक है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोटस इज कम्प्लीट, जब फोटस, फीटस जो होता है इसका डेवलपमेंट कम्प्लीट हो जाता है तो जो माँ होती है बच्चे को जन्म दे देती है। तो चलिए गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस, जायगोट क्या है, यहाँ पे इसको लिखेंगे जायगोट। देखिए जायगोट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जायगोट फॉर्म्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फीटस फॉर्म्ड इन द लेटर स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, जायगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन, ठीक है, फीटस फॉर्म्ड आफ्टर डिवाइडिंग ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रॉय। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टू डिफरेंस, फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक मिनट, एम्ब्रॉय इसकी स्पेलिंग यहाँ पे वाई लगा लेना बीच में, एम्ब्रॉय की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ चलेंगे इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड, जो एम्ब्रॉय है वह कहाँ पर एम्बेड होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यूट्रस। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा यूट्रस, यूट्रस। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये रहा, यहाँ पे बताया था ना कि यूट्रस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर नंबर टू। ठीक है, यूट्रस। अब चलते हैं थर्ड में, डिफाइन एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय क्या है, जब जायगोट डिवाइड्स रिपीडेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रॉय। ठीक है, अब फीटस क्या होता है, जब पूरे पार्ट रिकॉग्नाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट, नहीं ये किससे बनता है, दो, वैसे तो स्टार्ट तो होता है दो सेल से बनना, लेकिन अगर एक सेल की बात की जा रही है तो वो है जायगोट। ठीक है, वो है हमारा जायगोट, ये रहा। ठीक है, जायगोट ये रहा, यहाँ पे क्या होता है, ये दो सेल हैं, एक ओवम और एक स्पर्म, ये दोनों मिलती हैं, ये फिर एक सेल बना लेती हैं, फिर ये जो सेल होती है फर्दर बहुत स्पीड से क्या होती है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा फॉल्स। ठीक है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, हाँ क्योंकि जो एग होता है ना, मतलब जो एग था शुरू में, जो था जो एग था और जो मतलब एक तरह से जो ओवम था, वो क्या हो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सिंगल सेल में बन गया, जिसको कहते हैं जायगोट, यानी कि जायगोट अब सिंगल सेल बन चुका है। तो ये हो गया ट्रू, जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस। ठीक है, तो यस, तो ये हमारा हो गया ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स और
एन एम्ब्रॉय इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. नहीं, एम्ब्रॉय बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो फॉल्स. तो इस तरीके से आप लिख लेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.